तेजस्वी बोले, भाजपा वाले 310 सीट हार चुके हैं तो चिराग पासवान ने भी तगड़ा जवाब दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। जी हां, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में दो बड़े नेता, युवा नेता, जो लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और बिहार की सियासत में लगातार इनके बयानों की चर्चा है। पिछले दिनों तो खूब चर्चा हुई थी जब चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं कोर्ट चला जाऊँगा। दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे थे कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वैसे में चिराग पासवान ने कहा, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी, मैं अगर वो अपना बयान वापस ले नहीं तो मैं कोर्ट जाऊँगा। इस तरह की बात सामने आई थी। लेकिन अब मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है। मामला आरक्षण का ही है और मुस्लिम आरक्षण की बात कही है। दरअसल अमित शाह ने चुनाव के मन से कहा कि 400 सीटें अगर आ गई तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने भी उन पर पलटवार किया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी, जो फिर पटना आ रहे हैं दोबारा, 25 तारीख को उनकी रैली है, तीन रैलियाँ हैं बिहार के अंदर, उस पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला और अमित शाह के उस बयान पर भी हमला बोला। और साथ ही साथ सीटों के जो आंकड़े हैं, जो 310 का आंकड़ा है, कहा गया कि 310 सीटें जीतने का दावा है, तो ऐसे में कहा तेजस्वी यादव ने 310 सीटें बीजेपी हार रही है, एनडीए हार रहा है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। अमित शाह ने कहा है कि 400 नीचे करो। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। और कुछ उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला 10 साल से देखा नहीं, अब बिहार को क्या दिए, जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को जवाब दिया, पीएम मोदी पर हमला बोला और उसके बाद सीटों पर आ गए और सीटों पर उन्होंने कहा कि भाजपा वाले 310 सीट हार रहे हैं। तो इधर से चिराग पासवान ने भी जवाब दे दिया। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सीटों के मामले पर, चिराग पासवान का भी बयान सुन लीजिए आप। कह रहे हैं कि अब बिहार में नफरत का ट्रेंड आप लोगों का नहीं चलेगा, अब हमारा जॉब ट्रेंड चलेगा। हाँ तो भाई, जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया, बट वो जो जमीन का ट्रेंड है, कितनी जमीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए, ये बातें कहने से नहीं होता ना। जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। वहीं दूसरे उदाहरण महिलाओं के लिए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बना, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया, आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि। जहाँ एक तरफ ये उदाहरण है, वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन, ये उदाहरण है, तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी। और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी। 5 चरण के चुनाव नहीं और कल 6ठे चरण का हो जाएगा। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज़्यादा आ गए हैं भाई, जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी कि कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं, कल 6ठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति, और उसके बाद 5-7वें चरण में आप देखिएगा आते आते 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार कर लें। सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा,
जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300 प्लस का दावा ये लोग करते रहते हैं, फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं? या तो ये बोल दें कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो ईवीएम का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, देखिएगा 4 तारीख सुबह। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोल दिया और कहा कि अभी तो जिस तरह से वो सीटों को लेकर और अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग रात में देर रात निकल कर राजभवन जा रहे हैं और अब कल को कहेंगे ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, तो ईवीएम का राग भी वहां पर तैयार हो चुका है, आगे आने वाले दिनों में वो गाएंगे और सीटें यहां जो 400 हैं वो तय। तो मामला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है, दोनों युवा नेताओं की जो है लड़ाई बड़े ही दिलचस्प अंदाज में जो है बिहार के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ तेजस्वी वार करते हैं तो चिराग पासवान पलटवार कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।